अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर को मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे पंजाब में रूज पर है। इस टाइम हमें जनाब चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा साहब, जो कि टोबा टेक सिंह की सीट के लिए उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे सवालात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए, शुक्रिया। शुक्रिया जी। सर, आप ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमारी जो सीट है ना टोबा सीट, ये टोबा टेक सिंह के लोगों की जो है ना, उनकी ये आप कह लें कि ये हमारी सीट है, टोबा की सीट है और हमारे घर में होनी चाहिए टोबा में। तो एक बंदा फैसलाबाद का जो है, जो टोबा की सीट पर 10 साल से बराजमान है, और हम बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश से ये सीट वापस अपनी टोबा टेक सिंह ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेरा हमारा हक है। और दूसरा दूसरा सवाल कोई? जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप प्लीज़ अपना मैनिफेस्टो, सर आपका प्लान ऑफ एक्शन, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाते हैं तो सर आप क्या ऐसे अमली इकदाम हैं जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है वकला बरदरी की फलाह के लिए, जो आप करेंगे इंशाल्लाह? देखिए जी, मैनिफेस्टो तो मेरा, वो भी मेरे पहले सवाल वाला ही है कि सबसे पहले तो हमारी सीट जो है वो हमारी टोबा की है, ये हमारा हक है जो किसी ने छीना हुआ है, तो वो लेके जाएंगे। सेकेंडली मेरा मैनिफेस्टो है, क्योंकि मुझे नौजवान वकला बहुत ज़्यादा वोट कास्ट कर रहे हैं, मेरा अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की तो मैं पंजाब बार में जाके सबसे पहले नौजवान वकला के लिए कोई स्पेशल पैकेज जो है ना, उस पर कोशिश करूँगा। उनके लिए जैसे चैम्बर्स हैं, फ्री चैम्बर्स पंजाब बार के फंड से बनेंगे, उनको बुक्स फ्री दी जाएंगी। और दूसरी बात, जो हमारा उधर बेनेवोलेंट फंड है ना, उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक 70,000 जब को बंदा फौत हो जाता है, दूसरे को 3 लाख मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो बेनेवोलेंट फंड है ना, उसकी अमाउंट भी, एक बंदा फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक हैंडसम अमाउंट मिले। तो वो जो फैमिली वाले हैं, मतलब जैसे एक बंदा रिटायर होता है या किसी ने अपनी कोई इंश्योरेंस कराई, उसको 60-70 लाख रुपया मिलता है, तो हमारे एडवोकेट जो है वो जब फौत हो जाते हैं तो 3 लाख रुपये तक मिलता है। मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट एटलीस्ट 20 लाख तक होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा मेरा जो है, मेरा प्लान नंबर 3, कि जो हॉस्टल वकला का हॉस्टल है, उस पर मेंबर्स हजरात ने कब्ज़ा किए हुए हैं। एक अपना कमरा रखा हुआ है पक्का, एक अपने बेटे को दिया है, इसी तरह बाकी मेंबर्स ने भी, जो हमारी इधर देहाती इलाकों से लोग जाते हैं जिनकी हाई कोर्ट में पेशी होती है, तो वो लोग एक दिन पहले चले जाते हैं लाहौर, क्योंकि सुबह 8 बजे या 9 बजे उन्होंने कोर्ट में पेश होना होता है, तो उनके लिए ही स्पेशली ये हॉस्टल बनाया गया था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, उन्होंने उधर अपने कब्जे कर रखे हैं, वो जो लोग इधर से जाते हैं वो इस हॉस्टल से जो है ना, वो महरूम है, उनको कमरे नहीं मिलते। सबसे पहले मैं जीत कर वो हॉस्टल जो है ना, उसको साफ़ कराऊंगा, और वो नौजवान वकला के लिए जो बाहर से फैसलाबाद, तानवाला, टोबा, बावर, दूर दूर इलाका जा से, लिया से, या जिधर जिधर से भी लोग आते हैं लाहौर हाईकोर्ट, उधर उनको रहाइश का इंतज़ाम हो सके, वो आगे अपना कमरा ले सकें और सुकून से सुबह अपनी कोर्ट्स जो है उनको ज्वाइन कर सकें। बिल्कुल ठीक है। सर, आखिर में ये, इनफैक्ट आपने बड़ा सर कम्प्रीहेंसिव जवाब दे दिया, ऑलमोस्ट मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से मुतल्लक है। सर, यंग लॉयर्स को आपने बड़ा खसूसी तौर पे फोकस किया है अपनी सारी गुफ्तगू में। जी सर, जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर है यंग लॉयर्स को, तो सर नो डाउट, मतलब मैं तो खुद सर बड़ा कायल हो गया सर। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि एक जनरल पैगाम, यंग हो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आप अपने वकला, जो वोटर्स हैं, जो बरादरी, आप उनको अपील करना चाहें, प्लीज़ सर। देखिए भाई, बात यह है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग लायर हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं टोबा टेक सिंह में फौजदारी वकालत करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी कम्युनिटी के लिए, यंग के लिए भी, ओल्ड्स के लिए भी, इसमें सारे जो है कवर होते हैं। हम इन सब के लिए प्रैक्टिसिंग लायर्स जो हैं
उनके लिए मैं जद्दोजहद करूँगा, क्योंकि जो हमारा सिटिंग मेंबर है ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वो नॉन प्रैक्टिसिंग है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे क्या मसाइल हैं। तो मैं प्रैक्टिसिंग जो लोग हैं, मेरी सब लोगों के लिए ये पैगाम है कि मैं प्रैक्टिसिंग लोगों के लिए, हमें जो मसाइल हैं अदालतों में, जैसे जज बिहेव करते हैं, जैसे जो छोटे छोटे मसाइल्स का मुझे पता, क्योंकि मैं प्रैक्टिस हूँ, तो उन मसाइल को जैसे जैसे निशानदेही करेंगे दोस्त, उनके मुताबिक उसको मैं एक एक मेरा मतलब नोटिफिकेशन की सूरत में उसका हल निकलवाऊँ। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ है चौधरी तनवीर हुसैन कोंटा साहब, टोबा सीट से, इनका सीरियल नंबर 5 है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। सीरियल नंबर 5।